फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे क्यों शुरू किया, तब से मैं थोड़ा इसी तरीके से अपने चैनल में स्टार्ट करूँगी वीडियो को। और अभी मैं जस्ट पहुँची हूँ अपने हॉस्पिटल, तो मैं आपको को मिलती हूँ घर जाके। इस बीच मैंने एक ऐसा केस भी देखा जो मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा क्या था, तो ये सब मैं आपको घर पहुँच के बताती हूँ। तब तक मैं देखती हूँ पेशेंट्स को, एंड टिल देन स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं वापस आ गई हूँ अपनी ड्यूटी से। आज तो बहुत प्रॉब्लम हुई, मुझे गाड़ी ही नहीं मिली रिटर्न के लिए, तो बहुत मुश्किल से मैं पहुँची अपने घर। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उससे पहले आप देखिए मेरे साथ ये वीडियो। ये जो लेडी है, इन्हें आप देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे बीमार हो। और सबसे मेन तो ये इतना ज़्यादा मतलब नींद में चली गई, ड्राउजीनेस स्लीपीनेस हो रहा था इसको इतना ज़्यादा इस लेडी को, कि जब कंडक्टर इनसे रुपए ले रहा था, मांग रहा था, जो हम आते जाते हैं तो बीच में जो किराया मांगते हैं, हाँ बस का किराया मांग रहा था, तो वो टोटली नींद में थी और खड़े खड़े वो बंदी नींद ले रही थी ये लेडी। और वो डॉक्टर बोला कि मेरे को दो किराया, जो लगता है किराया वो दो। तो शी वॉज लाइक कि हाँ देती हूँ। तो उसको तो ऐसा है कि वो तो एकदम इतनी ड्राउजी, इतनी स्लिपी हो रही है, और वो सोचे कि शायद इसके पास किराया है नहीं, इसलिए शायद ये बहाने बना रहे हैं कि नो वहाँ पहुँच के मैं आपको दूँगी, पहुँच के दूँगी ऐसे वगैरह। तो उन्होंने फिर यही बोला कि भाई नहीं है, डांट के बोला उनको नहीं है, तो फिर सीधा सीधा बोल दो हम ये नहीं लेंगे। पर ये बार बार क्या है, बाद में दूंगी, वहाँ दूंगी, ये वो। फिर लेडी ने ठीक है ऐसा बोला, तो उन्होंने अपनी दे दिया रेंट ना, जो भी लगता है उधर का किराया। फिर थोड़ी सी उनको जगह मिली कि हमने बोला बैठ जाओ आप, और वो उस जगह पे बैठ गई। हम लिटरली मानोगे नहीं, इतना सा स्पेस था, उस पे बैठ गई, और बैठने के साथ वो फिर सो गई लिटरली। आप उसने कितना भी हिलाओ, उनको उसका कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, और सब ये सोच रहे थे कि ये क्या है, इतना क्या है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम होती है, हमारे होम्योपैथी में एक मेडिसिन है जिसमें ये बताया गया है, ये सिम्टम है पिक्यूलियर उस मेडिसिन का, जिसमें ये बताते हैं कि पेशेंट जहाँ खड़ा है वहाँ खड़े खड़े साथ सो जाता है, बैठा है तो बैठे के साथ सो जाता है। लिटरली मैंने आज पहले देखा, कई बार मैं ऐसी देखती हूँ जहाँ मुझे यूँ लगता है कि हाँ यार, होम्योपैथी में जो सिम्टम्स बताए गए हैं वो पेशेंट्स में होते हैं सेम। ये जब मैंने देखा एकदम पिक्यूलियर सिम्टम की, वो लेडी खड़े खड़े सो गई लिटरली। यार उनको कितना भी हिलाया, कितना भी बोलो, वो ऐसे जैसे एकदम गहरी नींद में चली गई हो एकदम, जब तक स्टॉप नहीं आया उनका। उनको उठाया हमने कि भाई आपकी जी जगह आ गई है, आपको उतरना है, तब तक वो उसी पोजिशन में सोती रही बिल्कुल इतनी सी जगह पर। लेकिन जो देखने वाला है अब कंडक्टर ने तो क्या सोचा कि इसको किराया नहीं देना है, तो बहाने कर रही होंगी। बट उन्हें क्या पता, ये तो उनकी एक बीमारी है, उनके लिए एक प्रॉब्लम है। तो ऐसा कई बार सिचुएशन हो जाती है जिनको नहीं पता होता। और इसकी मेडिसिन है नक्स मॉस्केटा। हमारे होम्योपैथी के अंदर नक्स मॉस्केटा एक मेडिसिन आती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस, ग्रेट ड्राउजीनेस स्लीपीनेस रहता है, जिसमें ऐसा ही होता है कि पेशेंट जहाँ खड़ा है, जहाँ बैठा है, जिस पोजीशन में, उसे पोजीशन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और वो सो जाता है। सेम थिंग ऐसा ही मेरे को पिक्यूलियर पिक्चर देखने को मिली नक्स मॉस्केटा की। मुझे बहुत ही मतलब आश्चर्य हुआ कि, और वो लोग ये सोच रहे थे कि यार इसको तो कोई नाटक कर रही है, जबकि उस लेडी को तो ये प्रॉब्लम है। मैंने आंटी जी को पूछा बताया, तो वो बोले कि हाँ मेरे को ऐसा होता है कि मैं जहाँ खड़ी होती हूँ बैठती हूँ वहाँ के वहाँ मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ जाती है, इतनी ज़्यादा उनको नींद आ जाती है, ड्राउजीनेस है। तो जो नक्स मॉस्केटा आप अगर देखेंगे तो उसकी पिक्यूलियर सिम्टम ही है ग्रेट ड्राउजीनेस स्लीपीनेस, और बहुत ज़्यादा ग्रेट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन। जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी चाहे सलाइवा हो, चाहे कफ हो, चाहे आपका जैसे ड्राइनेस है इंटेस्टाइन में, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस पेशेंट को, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहता है वो पेशेंट, उसकी जो थ्रॉट है वो एकदम ड्राई, उसको जो टंग लगेगी वो ऐसे लगेगा जैसे एकदम कॉटन हो, एकदम इतनी सूख जाती है उसकी टंग। कई बार सुनते होंगे ये टंग का भी बहुत सिम्टम सुनने को मिलता है कि एकदम ऐसे लग रहा है कि टंग एकदम सूखी हो गई है, बिल्कुल भी सलाइवा नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है,
बट उस लेडी को देख के काफ़ी लोगों ने भी उस कंडक्टर के पीछे बोला, लोग जाने अनजाने में ऐसे लोगों का मजाक उड़ा देते हैं ये सोच के कि यार किराया नहीं है तो बहाना कर रहे हैं ऐसे एक्स्ट्रा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनको एक प्रॉब्लम थी ये, जो उनको खुद को नहीं पता कि ये मेरी एक प्रॉब्लम है, वो सोच रहे हैं ये एक जनरल है जो मुझे ऐसे नींद आ जाती है, बट नींद आने इतना नहीं, आप मानोगे नहीं, उनको वो पूरे बोलते रहे और वो बिल्कुल जवाब नहीं दे पा रही, उनका इतना ड्राउजीनेस, उनको इतना स्लीपीनेस। तो ये मेरे को देखने को मिला, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये हमारे एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसमें ये सिम्टम्स हैं, और इन सिम्टम को अगर ये मेडिसिन उनको प्रेस्क्राइब की जाए तो वो डेफिनेटली ठीक हो सकती है। और ऐसा अगर आपके पास भी कोई होता है, कोई केस आता है, तो आप भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भेज सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक ही सिम्टम उसको नहीं बताएगा, उसकी पिक्चर को कई ऐसे होल टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे देख के बेसिस पे मेडिसिन दी जाएगी। तो अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, आपको लगता है, तो आप उनको सजेस्ट कीजिए कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और उनसे कंसल्ट करें। तो ये एक चीज़ देखने को मिली अभी आते के साथ ही, आज तो बहुत ज़्यादा थक गए, लेकिन होप आपको ये पसंद आया होगा। अब से मैं थोड़े से इसी तरीके से अपने वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप लोग ज़्यादा बोर ना हो, क्योंकि ज्ञान तो आपको पता है हर जगह भरा पड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ यही शेयर करूं, जो डेली में मैं देखती हूं करती हूं वो सब आपके साथ शेयर करूं। आज मैंने ये एक पिक्चर देखी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और आपको कुछ और सजेशन देने हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपकी रिपोर्ट्स के रिलेटेड, टेस्ट के रिलेटेड, आपकी दवाइयों के या आपकी बीमारी के रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं नीचे डिस्प्ले कर दूंगी, बट आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं मैसेज पे जैसे ही टाइम मिलेगा रेस्पॉन्ड करूँगी, और मोस्टली मैं रेस्पॉन्ड करती हूँ, और मुझे जो मिलते हैं मेल्स वगैरह, मैसेज वगैरह, लिटरली जब देखते हैं तो बड़ा लगता है शॉकिंग। कई ऐसे इंटरेस्टिंग और भी हैं जो मैं डेली कुछ ना कुछ आपको बताती रहूँगी इससे रिलेटेड। तो इसी तरीके से मैं आगे अपनी वीडियोस बनाऊंगी ताकि आप भी ज़्यादा बोर ना हो इससे। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन करके रखें ताकि आपको मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। मेरे सर में बहुत खुजली आ रही थी तो आज मेरी बहन मेरे मालिश कर रही है। ये रहेंगे अब से मेरे क्राइम पार्टनर्स मेरे ब्लॉग में, ये अब फुटबॉल चैंपियन के साथ डॉक्टर इंद्रॉन जी जी आएगा। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, आप मिलेंगे। हाय, अब रात हो चुकी है, हम सब सोएंगे।